अस्सलामुअलैकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि आप अपनी इंग्लिश को कैसे बेटर बना सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, आप कम्युनिकेशन के लिए आप इंग्लिश को एज अ मीडियम यूज़ कर रहे हैं और आपका क्लाइंट एक इंग्लिश क्लाइंट है, ज़्यादातर यही है, और वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश में बात कर रहा है आपसे। तो सम टाइम हमारी जो है, हम यहाँ पे पाकिस्तानी इंडिया के जो लोग हैं उनकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा मिनिमल हो जाती है। मिनिमल इन सेंस के वो इतने अच्छा तरीके से ग्रामर और बाकी सारी चीज़ों को यूज़ नहीं कर पाते। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, वो इसकी जगह आर लगा रहे होते हैं, एम की जगह इज लगा रहे होते हैं, वट एवर। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना है, तो हमें अपने ब्राउज़र के अंदर काफ़ी सारी ऐसे एक्सटेंशन आती हैं जो इनको ऑटो करेक्ट कर देते हैं। जब आप लिख रहे होते हो कोई भी मैसेज, या फिर आप जा रहे होते हो वहाँ पे प्रपोजल लिख रहे होते हैं, तो वहाँ पे वो जो विजिट्स हैं, वो जो एक्सटेंशन है, वो उनको ऑटो करेक्ट कर देती हैं। तो आप इस तरह के विजिट्स को यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट पॉपुलर जो विजिट है या एक्सटेंशन है वो है ग्रामरली, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप जस्ट सिंपल अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर ग्रामरली ऐड कर सकते हैं और उसके ऊपर अकाउंट बना सकते हैं। उसके बाद आप जो भी प्रपोजल टाइप कर रहे हैं अपने ब्राउज़र के अंदर, कोई भी अगर उसके अंदर ग्रामेटिकली एरर है तो वो ऑटोमेटिकली उसको फिक्स कर देगा और आप ये जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी स्मूथ चलेगी क्लाइंट के साथ, और आपके ये जो ग्रामेटिकल एरर्स हैं इनके चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।